प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाए हैं, वो है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में आने की संभावना अच्छी रहती है इसकी। तो हम पतले लेंस से क्या तात्पर्य है वो समझाते हैं। हमारे पास एक पतला कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये एक पतला उत्तल लेंस लिया हमने, इस पे एक वस्तु रखी ओ डैश, ये फोकस है। प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, फोकस से गई। एक प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, वक्ता केंद्र से जाएगी, ये वक्ता केंद्र से जाएगी। जहां दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी वहां पे आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब F। इसको C मान लेते हैं, इसको बिंदु को A मान लेते हैं, यहां से एक लंब डाल देते हैं। जब इस सूत्र की स्थापना करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट पतला लेंस लिखा है कि इसके लिए हम पतले लेंस को यूज करते हैं। दूसरा क्या लेते हैं, इसकी अपर्चर द्वारक छोटा लेते हैं। लेंस का द्वारक क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं। अब वस्तु कैसे रखी है आपने, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, फोकस से पास हुई। दूसरी प्रकाश की किरण कैसे गई, वक्ता केंद्र से गई, और वो भी सीधी गई, अनडायरेक्टेड गई। जहां दोनों मिले वहां पर प्रतिबिंब बन गया II। ये दूरी क्या है, हम वक्ता केंद्र से दूरी लेते हैं, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर पर से दूरी लेते हैं, माइनस यू। ये वक्ता केंद्र नहीं है, यह है प्रकाशिक केंद्र सी। ये दूरी क्या होगी, एफ। ये वाली दूरी क्या होगी, वी। प्रकाशिक केंद्र से सीधे हाथ की दूरी घनात्मक होती है, उल्टे हाथ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज II डैश सी, ये देखो ये दोनों कोण बराबर है, ये तो ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, एक समान नहीं कह सकते, समरूप की बात कर रहे हैं। ये कोण बराबर है तो इसकी भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने क्या लिया, ओ डैश अपॉन II डैश, राइट। और फिर क्या हो गया आपका, सीओ अपॉन CI, पहली समीकरण। दूसरा त्रिभुज ACF तथा त्रिभुज II डैश F, ये भी समरूप होंगे। ये देखो ACF FII डैश, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो AC बटे II डैश AC CF अपॉन FI, ये समीकरण नंबर दो होगी। समीकरण एक व दो से CO अपॉन CI CF अपॉन FI, ये देखो ना क्यों लिया हमने, एक मिनट, हमें यहां पे एक चीज का पता है, सॉरी एक चीज हम पहले अभी कर लेते हैं, इसे छोड़ते हैं, ठीक है। एक व दो में हम पहले एक चीज करेंगे। यहां देखिए AC और ओ डैश बराबर है। यहां पर क्या है हमारे पास, AC इज इक्वल टू ओ डैश, तो ये समीकरण दो क्या हो जाएगी आपकी, ओ डैश अपॉन II डैश CF अपॉन FI, समीकरण तीन। समीकरण एक व तीन से, समीकरण एक व तीन से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, CO अपॉन CI CF
अपॉन एफ आई, सीओ अपॉन सी आई इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ आई, राइट। ये समीकरण नंबर होगी 4। अब कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी सी आई, सी आई हमारे पास है, सी एफ हमारे पास, एफ आई निकालनी है हमें। ये एफ आई देखो कैसे निकलेगी, पहले हम मान लिख लेते हैं अपने, हैं हमारे पास सीओ किसके बराबर है, माइनस यू के, सी आई किसके बराबर है, वी के, सी एफ किसके बराबर है, एफ के। तो एफ आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एफ आई का मान निकालना है, सी आई में से सी एफ माइनस कर देंगे, सी आई माइनस सी एफ, तो एफ आई कितना हो गया, सी आई कितना आपका, वी माइनस एफ। तो समीकरण 4 में इनके मान रखे, मान रखने पर, सॉरी ये लेंस का सूत्र, 1/f = 1/v - 1/u, मैंने दर्पण का लिख दिया था। तो क्या हो जाएगा, सीओ कितना हो गया, माइनस यू, सी आई कितना हो गया आपका, वी, सी एफ कितना हो गया, एफ, एफ आई कितना हो गया, वी माइनस एफ, मल्टीप्लाई किया, माइनस यू वी माइनस एफ एफ वी। तो क्या होगा भैया, माइनस यू वी प्लस यू एफ एफ वी। तो एफ वी इधर ले आते हैं, एफ वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यू वी इधर ले आए, हाँ यू वी इधर ले आते हैं, एफ वी। अब हम क्या करते हैं, एफ वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू यू वी, यू वी इधर लेंगे, एफ वी इधर ले आए, तो ये माइनस एफ वी, ये प्लस यू एफ, ये माइनस हो जाएगा एफ वी। तो यू वी एफ से भाग करने पर माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ यू वी अपॉन यू वी एफ। क्या बचा आपके पास, माइनस वन बाय यू, इसमें क्या बचा, वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ। तो इसे क्या लिख सकते हैं, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू। ये पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना हो गई आपके। बच्चों मैं आपको बहुत छोटी छोटी वीडियो इसलिए दे रहा हूं, जैसे आपने डिमांड करी थी कि सर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को छोटी छोटी वीडियो के रूप में उपलब्ध कराइए, मैं उपलब्ध करा रहा हूं। अगर ये उपलब्धि आपको अच्छी लग रही है और आपको समझ में भी आने लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ना बेटा, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, जैसे आपको समझ में आ रहा है उनको भी समझ में आ जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई फंस गया, आपने उनको चैनल के बारे में बताया, वो तो आपका हमेशा गुणगान ही करेगा ना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आने वाले टाइम में सारी इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक की वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सारी यूनिट की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको उपलब्ध होंगी, छोटी छोटी 8-10-15 मिनट इस तरह से, जिस तरह का डेरिवेशन होगा, कोई डेरिवेशन लंबा होगा तो थोड़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, जो छोटा है तो छोटी वीडियो बन जाएगी। धन्यवाद।